गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं अब आप सब? बेटा, हमने थ्री थ्री लेसन्स करे थे दोनों बुक्स के, लेकिन बीच में हमने अब ग्रामर पोर्शन किया है अपना, और रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल हमने अपनी कंप्लीट की है। तो आज मैं आपका ये फ्लेमिंगो की बुक का फोर्थ लेसन स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, द रेड ट्रैप। आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए सभी, और केयरफुली इस लेसन को पढ़ना, क्योंकि इनमें से आपको एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसेजेस आते हैं। रेड ट्रैप, इसके ऑथर है सेल्मा लेगरलॉफ। रेड ट्रैप, जिसका कि मतलब आप सबको शायद मालूम भी होगा, जिसका मतलब होता है चूहेदानी। अब नीचे से देखिए, आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। कि एक बार का टाइम है जब एक आदमी था जो तार से बनी हुई छोटी छोटी चूहे दानियां बनाकर शहर में जाकर बेचा करता था। He made them himself at old moments. Old moments मतलब बची खुची चीजों से वो उनको स्वयं बनाता था। From the material he got by bagging in the stores or at the big farms. और वो जिस सामान से बनाता था वो भी बड़े बड़े स्टोर्स या बड़ी बड़ी फार्म से उनको मांग करके लेकर आता था सामान को, और उनसे वो बनाया करता था। But even so, the business was not especially profitable. लेकिन इतना होने पर भी जो उसका व्यापार था वो ज्यादा लाभदायक नहीं था। So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. अब उसने क्या किया कि अपने आप को जीवित रखने के लिए उसने वो भीख भी मांगता था और छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। Even so, his clothes were in rags. इतना होने पर भी उसके कपड़े फटे पुराने थे। His cheeks were sunken, उसके गाल पिचके हुए थे, and hunger gleamed in his eyes, और उसकी आंखों में बिल्कुल भूख नजर आती थी कि वो बहुत दिनों का भूखा है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस वैगाबोंड होता है वो घुमक्कड़, कि उस घुमक्कड़ का जीवन कितना अकेला और नीरस था। Who plods along the road, जो कि सड़क के किनारे किनारे टहलता रहता था, left to his own meditations, और अपने ही ख्यालों में मगन रहता था। But one day this man had fallen into a line of thoughts. लेकिन एक दिन चलते चलते उस आदमी के मन में एक ख्याल आया, which really seemed to him entertaining, जिसने वास्तव की उसको, उस विचार ने उसको एंटरटेन किया, उसको मजा आया उस विचार से। He had naturally been thinking of his rat traps. वो अपनी चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea, तभी उसके दिमाग में ये विचार आया, that the whole world about him, कि उसके चारों तरफ जो पूरा संसार है, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, पूरा संसार जिसमें सारी धरती, समुद्र, शहर, गांव सब आ जाते हैं, was nothing but a big rat trap, कि वो सोचता है कि ये संसार भी तो जितना बड़ा है एक बड़ी चूहेदानी से बढ़कर और कुछ नहीं है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people, और इस संसार का और कोई उद्देश्य नहीं है बल्कि लोगों के आगे चारा फेंकना है। BAITS, baits means होता है चारा। It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. और वो जो चारा है, संसार रूपी चारा, वो अमीरी, खुशियां, आश्रय, भोजन, गर्मी और कपड़े, बिल्कुल वैसे ही ये चारा होता है इंसान के लिए जैसे कि हम चूहे दानी में किसी चूहे को पकड़ने के लिए किसी पनीर या मांस का टुकड़ा लगाते हैं। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, और जैसे ही कोई एकदम से इस चारे को छूने की कोशिश करता है, it closed in on him, तो चूहे दानी उसे अपने अंदर बंद कर लेती है। And then everything came to an end, और हर चीज का फिर अंत हो जाता है। तो इसमें चारे को छूने का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि मतलब जैसे अमीरी, खुशियां, इसके प्रति अगर कोई भी इंसान आकर्षित होता है जो इन चीजों को प्राप्त करना चाहता है, तो इनको प्राप्त अगर वो सही तरीके से करता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर उस तक उनकी पहुंच नहीं है और उन चीजों को वो प्राप्त करने की उसके अंदर ललक है, तो जब वो कोई गलत काम करता है तो दैट मीन्स वो गलत रास्ते पर चलता है, तो उसको कहते हैं कि संसार रूपी चूहेदानी में वो पकड़ा जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड ऑफ हिम, ये संसार उस घुमक्कड़ के लिए कभी दयालु नहीं प्रतीत हुआ। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इस तरह से उसको हमेशा संसार से दुख ही मिले। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज, और अब वो अपना समय गुजारने के लिए इस तरह के विचारों को अपने दिमाग में सोचता है। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स,
अपने उस दौरान जब वो इधर उधर घूमता रहता है। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, वो उन लोगों के बारे में सोचता है जो इस खतरनाक पिंजरे में फंस चुके हैं, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, या फिर वो दूसरे लोगों के बारे में सोचता है जो अभी इस चारे के चारों ओर आकर्षित होकर घूम रहे हैं। One dark evening, as he was tooting along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक शाम को जब वो सड़क के किनारे किनारे जा रहा था, तभी उसको सड़क के किनारे दूर एक अंधेरे में झोपड़ी नजर आई, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने दरवाजा खटखटाया उस झोपड़ी का ताकि वो रात को वहां आराम कर सके। नोर वॉज ही रेफ्यूज्ड, और उसको मना भी नहीं किया गया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, इसकी बजाय वो जब भी किसी के घर जाता था तो लोग उसको देखकर मुंह बना लेते थे। The owner who was an old man without wife or child, उस घर का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी ना पत्नी थी और ना बच्चे। Was happy to get someone to talk to in his loneliness, और अपने अकेले समय में वो उसको जब कोई बातचीत वाला नजर आया तो उसको भी बहुत खुशी हुई। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. पॉरेज मीन्स दलिया और सपर मीन्स रात का भोजन। उसी समय तुरंत उसने चूल्हे पर दलिया दलिये का बर्तन चढ़ाया और उसको रात का भोजन दिया। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. इसके बाद उसने एक बड़ा सा तंबाकू का टुकड़ा निकाला और उसको अपने उसमें पाइप में डाला उसके जिसमें वो तंबाकू को उसको सूंघते थे, तो उसने उसमें तंबाकू के पाइप में उसको तंबाकू को डाला और जो कि उसके लिए और उस अजनबी के लिए पर्याप्त था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में उसने एक ताश की गड्डी निकाली पुरानी सी, एंड प्लेड मजोली विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और वो जब तक वो सो नहीं गए तब तक अपने दोस्त के साथ मजोली नाम का खेल खेलता रहा। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. वो बूढ़ा आदमी जितना अपना दलिया और तंबाकू खिलाने के प्रति उदार था, उतना ही अपने मन की बातें बताने के प्रति भी उदार था। The guest was informed at once in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramjo Ironworks and had worked on the land. जो मेहमान यानी कि चूहेदानी बेचने वाला आया था, उसको जल्दी ही पता चल गया उसकी बातों से कि जब वो बूढ़े आदमी के अच्छे दिन थे और वो रामजो लोहे की मिल में काम करता था वो ग्वाले के तौर पर, तो तब वहां पर उसने ही हैड वर्क ऑन द लैंड, तो उसने वहां पर बहुत समय काम किया, तब उसके बहुत अच्छे दिन थे। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन क्योंकि अब वो इतनी मेहनत करने के काबिल नहीं रह गया था, इट वॉज हिज काओ भी सपोर्टेड हिम, अब केवल उसकी गाय थी जो उसको उसका पालन पोषण करती थी। यस दैट बोजी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हाँ वो गाय बहुत अच्छी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, हर रोज वो उसको क्रीम से भरा हुआ दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और पिछले ही महीने उसको दूध बेचकर 30 kroner मिले थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अब जो अजनबी था वो बड़ा चौकन्ना दिखाई देने लगा। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, चौकन्ना इनक्रेडुलस मतलब होता है जैसे संदेहास्पद कि उसको उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और वो खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, और उसने खिड़की के पास जाकर जो कील के ऊपर एक खिड़की की कील पर जो एक थैला टंगा था उसको उतार कर वो लाया। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills विच ही हैड डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, तो उसने उसमें से थैले को उतारा और उसमें जो 3 मुड़े हुए क्रोनर के नोट थे, 10-10 के नोट थे। क्रोनर बिल्स क्या किसको कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ की करेंसी होती है वैसे ही जहाँ की ये स्टोरी है, तो वहाँ के जो रुपीस होते हैं वो उनको क्रोनर्स बोला जाता है। तो 10-10 के 3 क्रोनर्स थे। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और वो नोट निकालकर उसने अपने मेहमान को दिखाए। नोडिंग नोइंगली, और गर्दन हिलाते हुए ऐसे दिखाया कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। एंड Then stuffed them back into the pouch, और फिर उसने उनको मरोड़कर उसी थैले में रख दिया। The next day both men got up in good season. अगले दिन दोनों आदमी सुबह जल्दी उठे। The crofter was in a hurry to milk his cow. ग्वाले को जल्दी थी, उसको अपनी गाय से दूध निकालना था। And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और अजनबी
जो था उसने दूसरे आदमी ने सोचा कि जब घर का मालिक जाग गया है तो मुझे ज्यादा देर नहीं सोना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। वो दोनों एक समय पर ही वहां से घर से निकले। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर। अब जो ग्वाला था उसने अपने घर पर ताला लगाया एंड पुट द की इन हिज पॉकेट और अपनी जेब में चाबी डाल ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। और चूहेदानी वाले आदमी ने उसको अलविदा कहा और धन्यवाद कहा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे। और वो अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे बाद वो चूहेदानी बेचने वाला फिर से दरवाजे के सामने खड़ा नजर आया। He did not try to get in। उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। He only went up to the window। वो केवल खिड़की के पास गया। Smashed a pane और खिड़की का शीशा तोड़ा। Stuck in his hand अंदर हाथ डाला and got hold of the pouch with the 30 kroner। और उसके अंदर जो 30 रुपए वाला जो पाउच रखा था थैला वो उसने बाहर निकाल लिया। He took the money and thrust it into his own pocket। उसने पैसे निकाले और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। फिर बड़ी सावधानी से उसने वहीं से हाथ डालकर उस थैले को वहीं टांग दिया और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। अब वो जैसे जैसे चलता गया अपने रास्ते पर अपनी जेब में पैसे लेकर तो उसको अपनी चतुराई पे बहुत खुशी हुई। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway। तभी उसने सोचा कि अब मुझे मुख्य सड़क से नहीं जाना चाहिए बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स, बल्कि जंगल की तरफ रास्ते पर मुड़ जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स ही दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। शुरू शुरू में तो उसको कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। लेकिन जैसे ही आगे दिन बढ़ता गया उसकी हालत खराब होने लगी। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा और जटिल जंगल था जिसके अंदर वो चला गया था। He tried to be sure to walk in a definite direction। वो उसने कोशिश की कि वो सिर्फ एक दिशा में चले। But the path twisted back and forth so strangely। लेकिन रास्ते बड़े आश्चर्यजनक तौर से इधर उधर मुड़ जाते थे। He walked and walked without coming to the end of the wood। वो चलता गया लेकिन जंगल का अंत नहीं आया। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest। और अंत में उसको लगा कि वो तो जंगल के एक ही हिस्से में घूम रहा था। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap। उसी समय उसको संसार और चूहेदानी वाली अपनी बात याद आई। Now his own turn had come, क्योंकि अब उसकी खुद की बारी आ चुकी थी। He had let himself be fooled by a bait and been caught। वो खुद भी एक चारे के द्वारा मूर्ख बन गया था और पकड़ा गया था। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। पूरा जंगल जिसमें जगह जगह पेड़ के तने और शाखाएं टूटकर गिरे हुए थे, मोटे मोटे पेड़ के नीचे के तने लट्ठे गिरे हुए थे, उन्होंने जंगल को ऐसा बना दिया था जैसे कि वो एक ना निकलने वाली जेल हो। और अब उसको ऐसा लगा कि अब वो यहाँ से कभी भी नहीं बच सकता था। तो स्टूडेंट्स, ये आपका हाफ लेसन है जो हमने अब रीड किया है। आप इसको अच्छी तरीके से बेटा अपना रीड कर लेना बुक्स खोल के। और आपको यदि कोई भी लाइन यहाँ से क्लियर नहीं होती, यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। और नेक्स्ट डे फिर हम इसके आगे का जो लेसन है बेटा वो हम रीड करेंगे। और आप लोग अपना ध्यान रखना, जो भी ये समय चल रहा है ये जल्दी बीत जाएगा। और यू शुड केयर योर सेल्फ। ओके, थैंक यू वेरी मच।